नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। उन्नाव में पुलिस मुठभेड़ में बाइक सवार सातों लुटेरा जख्मी, साथी फरार। अजगैन पुलिस ने मंगलवार अलसुबह नवाबगंज पक्षी विहार के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में बाइक सवार सातों लुटेरे को जख्मी कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर उसका साथी भागने में सफल रहा। पुलिस ने लुटेरों का घायल अवस्था में उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, साथ ही उसके भागे हुए साथी की तलाश में पुलिस टीम जुटी है। एसपी दीपक भूकर के निर्देश पर अजगैन इंस्पेक्टर अवनीत सिंह में फोर्स मंगलवार अलसुबह नवाबगंज पक्षी विहार के पास संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी एक बाइक पर दो संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। आत्मरक्षा में पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना नाम, पता इरफान अहमद पुत्र स्वर्गीय अली हुसैन निवासी जाजामऊ ताड़ बगिया कानपुर बताया। पूछताछ में बताया कि उसने 29 अगस्त 2024 को अजगैन कोतवाली क्षेत्र के केवला गांव निवासी उमा पत्नी संतोष के साथ लूट की वारदात की थी। उसका साथी फरार हो गया। एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में एक लुटेरा गिरफ्तार हो गया है। भागे छात्र लुटेरे की तलाश के लिए पुलिस टीम लगाई गई है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।